हेलो मेरे प्यारे ब्रदर एंड सिस्टर, आज के इस वीडियो के माध्यम से एक बार पुनः मैं आप लोग के बीच आ चुका हूं। मेरे प्यारे सिस्टर, इस वीडियो को गौर करके देखिएगा और सबसे पहले ये जो वीडियो मैं आप लोग को दिखा रहा हूं, इस वीडियो को सबको शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। जितने भी आपके आस पड़ोस वाले सिस्टर है, आपके आस पड़ोस वाले दोस्त होंगे, सबको शेयर करिएगा और आप अपने स्टेटस भी लगा लीजिएगा अपने ग्रुप में, तो सबसे पहले शेयर कर दीजिए। हमें पता है सारे जो एएनएम की सिस्टर है सबके मोबाइल में व्हाट्सएप ग्रुप होगा एएनएम का, क्योंकि सारे लोग जब पढ़ते रहते हैं ना अपने कॉलेज के लाइफ में, अपने स्कूल के लाइफ में, तो सारे लोगों का एक ग्रुप होता है। हम लोग का भी था, अभी भी ग्रुप है, जो जिससे रिलेटेड होते हैं एक ग्रुप होते हैं, तो उस ग्रुप में आप लोग शेयर क्यों नहीं करते हैं? सबको शेयर करेगा तो सबके पास पहुंचेंगे। अब आप लोग शेयर क्यों नहीं करते हो हमें कैसे पता चल जाता है, इस बात को मैं आपको जानकारी दे देता हूं। क्योंकि हमें पता है कि आप लोग वीडियो शेयर करोगे तो मेरा वीडियो ज्यादा चलेगा, यानी कि ज्यादा लोग अच्छा से यहाँ पे देख पाएंगे, लेकिन यहाँ पे 10,000, 15,000, 20,000 व्यू जाते जाते वीडियो चलना बंद हो जाता है। इसका मतलब है कि आप लोग शेयर नहीं करते हैं। सबको शेयर करो यार, सबके पास जानकारी पहुंचाइए, ठीक है। चलिए, आज मैं जो बीटीएससी एएनएम में जो मैं काम कर रहा हूँ ना, तो जो यहाँ दिखा रहा हूँ वीडियो बीटीएससी एएनएम का, इसमें बहुत अच्छी तरीके से वर्क मैं कर रहा हूँ। मैं आज बात करूंगा एएनएम सिस्टर का डिमांड था, डिमांड ये था कि मेरिट कैसे बनेगा, ठीक है, मेरिट लिस्ट कैसे बनेगा, इस बात को लेकर के। ये 10,709 की वैकेंसी है और बड़ी बात है कि परमानेंट वैकेंसी है, सबको मालूम है ये बात। तो इसका मेरिट कैसे, परमानेंट वैकेंसी है तो कैसे बनेगा, तो मेरिट पर मैं आज इस वीडियो में जिक्र कर देता हूँ कि मेरिट के लिए मार्क का कैलकुलेशन कैसे होगा, मेरिट कैसे बनेंगे, आप लोग थोड़ा समझ लीजिए, क्योंकि बहुत कमेंट आ जाते हैं, तो हमें लगता है कि सामने जाकर के और अच्छी तरीके से आप लोग को हम समझा दे, जिससे कि थोड़ा आप लोग रिलैक्स कर सके। क्योंकि हमें पता है मार्क बेसिस जब बहाली आती है ना, तो यही सब फंडामेंटल होता है। अब रोज का रोज एक टेंशन उत्पन्न होगा, यार मेरा बनेगा या नहीं बनेगा, कट ऑफ क्या जाएंगे, और एक छोटा सा एग्जाम ले लिया जाता है तो उसमें था ये रहता है कि चलो यार मैं तो बनाया ही नहीं तो मेरा आएगा कहाँ से, अगर हम बनाए हैं तो मेरा आएंगे ही आएंगे, तो ये बात ही होती है। खैर बात, अगर यहाँ पर मार्क बेसिस का सिस्टम है तो वो भी वेलकम, मार्क बेसिस पर भी वेलकम, चलिए मार्क बेसिस ही सही, लेकिन परमानेंट वैकेंसी है, जल्दी कर दे तब जाकर के सही होगा, लेट करेगा विलंब करेगा तो फिर समस्या होगी। चलिए मैं आप लोग को इस वीडियो में शुरू कर देता हूँ। सबसे पहले आप लोग यहाँ पर देखिएगा चयन प्रक्रिया, यहाँ पर चयन प्रक्रिया जो आपके एडवर्टाइजमेंट में लिखा है उसको देखिएगा, यहाँ पर हमने लिख रखा है उसमें नोट करके, यही आपके चयन प्रक्रिया, और इसमें चयन प्रक्रिया क्या है हम आपको दिखा देते हैं, ठीक है। देखिए एएनएम का 60 अंक, यानी एएनएम का 60 अंक का मतलब ये हुआ कि आपने जो 2 साल का एएनएम का ट्रेनिंग कोर्स की हो ना, अब उसमें जो जितने आपने दोनों ईयर का 2 वर्ष का, ठीक है, 2 वर्ष का आपका जो अंक होगा वो दोनों वर्षों का अंक जितना होगा उसका 60% अंक यहाँ से लिख जाएंगे। ये प्रतिशत में है, ये जो अंक है ये अंक सिर्फ प्रतिशत में है, यहाँ पर प्रतिशत लिख लीजिए, ठीक है, ये प्रतिशत में है, ये 60 अंक प्रतिशत में है। और ये जीएनएम या फिर बीएससी नर्सिंग या फिर पोस्ट बीएससी नर्सिंग की है तो डायरेक्ट आपको 15 अंक मिल जाएंगे, डायरेक्ट 15, ये प्रतिशत नहीं है, सीधे 15 अंक आपको मिल जाएंगे। और ये एक्सपीरियंस 1 वर्ष मतलब 5 अंक, अगर आपका एक्सपीरियंस, सुन लीजिएगा गौर से, आपका एक्सपीरियंस बिहार सरकार के स्वास्थ्य विभाग के सरकारी हॉस्पिटल में अगर आपने संविदा पर कार्य किए हो ना, तो आपको 1 वर्ष कार्य किए हैं तो 5 अंक दिए जाएंगे, और इसी तरह से अधिकतम 25 अंक, यानी कि सिर्फ 5 वर्षों का गिनती होगा, सिर्फ 5 वर्ष। कोई कोई सिस्टर ऐसी है जो 6 वर्ष वर्क किए हैं, 7 वर्ष वर्क किए, 10 वर्ष वर्क किए, लेकिन उन लोगों का जो वैलिड है सिर्फ 5 वर्ष, अधिकतम 25 अंक ही मिलेंगे, आप कितना भी दिन किए रहिए उससे हमें कोई मतलब नहीं है। ये फंडामेंटल आपने अगर समझ लिया तो आप समझ जाएंगे कि आपकी मेरिट कैसे बनेगी, ठीक है। तो चलिए हम आपको एक एग्जाम्पल देंगे और उस एग्जाम्पल के माध्यम से हम आपको दिखाएंगे, उसके बाद थोड़ा सा कट ऑफ पर जिक्र कर देंगे और आप लोग खुद ही समझ जाइएगा कि आखिर सर कट ऑफ कैसे बनाते हैं और कट ऑफ कितना जाने वाला है। एक एग्जांपल मैं ले लेता हूं, मान लेते हैं, ठीक है, सब जगह मान के चलते हैं, ये मान लेते हैं, ये एक एग्जांपल है तो मान के चलना पड़ेगा। मान लेते हैं कि कोई ऐसे स्टूडेंट है जो एएनएम कंप्लीट किया है और उसका अंक है 80%, ये प्रतिशत दोनों वर्ष को मिलाकर के, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है, यहाँ पर आप लोग को यह ध्यान देना है कि दोनों वर्षों का, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर का मार्क निकाल के दोनों ईयर का आप लोग निकाल लीजिए, दोनों वर्ष, 2 वर्ष का मार्कशीट है ना आप लोग के पास, दोनों वर्ष का आपने अंक है आपके पास कितना,
तो 80% अंक है, ये आपने समझ गया। अब हम दूसरा यहाँ पर आप लोग को यहाँ दिखाते हैं, अंक कितना हो गया। उसके बाद मान लेते हैं कि आपने एक एग्जाम्पल यही रहने दीजिए, एक ही एग्जाम्पल रहने दीजिए, ठीक है, चार पांच एग्जाम्पल दूंगा। आपने सिर्फ एनियम कंप्लीट किया है, सिर्फ क्या किया है, एनियम कंप्लीट किया है, और उसमें कितना अंक है आपको, 80 अंक है, 80% अंक है। अब इसका जो अंक का कैलकुलेशन होगा वो क्या करेंगे, 80% अंक है इसका क्या करेंगे, 60% निकालेंगे, ठीक है। यहाँ पे 60% अंक यहाँ पर है, 60 अंक मतलब 60%, तो 60% अंक निकालिएगा तो 100 से यहाँ पर डिवाइड करना पड़ेगा, ये प्रतिशत हट जाएगा यहाँ से, तो आप लोग क्या होगा, ये 0 0 कैंसिल, ये 0 0 कैंसिल, 6 8 में मल्टीपल करेगा तो 48 यानी कि 48 मिले। ये बात आपने समझ गया कैसे हमने निकाला, अगर आपने नहीं समझे ना तो इतना भी आपने दिमाग नहीं निकालने लगाइए, सिंपल सा बात करना है, ठीक है। 80% अंक है 80 कर देंगे, गुना कर देंगे, 6 है ना 7 है ना, 0.6 से गुना करना है, सिर्फ 0.6 से, जितना प्रतिशत है उसमें 0.6 से गुना कर देना है, 0.6 यहाँ मैंने पॉइंट रखा हूँ ध्यान से रखिएगा, 0.6 से गुना करेगा तो कितना होगा, 48.0 होगा, यानी कि 48 हो गया, 48 अंक आपको मिलेंगे, समझ गए। एक एग्जाम्पल आपने समझ गया 48 अंक। एक और एग्जाम्पल मैं ले लेता हूँ आपसे, एक और एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल लेना चाहूंगा, कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसके पास एएनएम में ना, मान लीजिए एएनएम में 90% अंक है, ठीक है, और वो क्या किया है कि जीएनएम भी कर चुकी है, जीएनएम किया है और जीएनएम में उसके पास मान लेते हैं कि 70% अंक है, ठीक है। अब क्या होगा इसका अंक का कैलकुलेशन, दो हो सकता है, बहुत ऐसे कैंडिडेट होते हैं जो एएनएम भी किए रहते हैं और जीएनएम भी किए रहते हैं, ऐसा बहुत आपको मिल जाएंगे, ठीक है। अब इस स्थिति में क्या होगा, ये 90% अंक है तो 90 में क्या करेंगे, 0.6 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 54 हो जाएंगे, 54.0 यानी कि 54 अंक इसको यहां से हो गया, और 70 है तो देखिए आप जीएनएम में आपको 70% अंक हो, 80% अंक हो या 50% अंक हो, अंक इसमें मैंने नहीं रखता, सिर्फ आपको जीएनएम पास होना चाहिए, जीएनएम क्वालिफिकेशन है आपके पास, जीएनएम की योग्यता है, तो सीधे आपको यहां से 15 अंक मिल जाएंगे, ये विज्ञापन में लिखा हुआ है, तो सीधे हमको जीएनएम से कितना अंक मिलेगा, 15। इसको प्रतिशत से कोई वैल्यू नहीं होता है, आप 70 20 50 60 90 कुछ भी लाइए, सिर्फ पास होना चाहिए, एएनएम कंप्लीट, जीएनएम कंप्लीट होना चाहिए, जीएनएम कंप्लीट है तो आपको सीधे 15 अंक मिलेंगे। तो इस कैंडिडेट को टोटल अंक कितने मिल जाएंगे, 54 यहाँ से मिला और जीएनएम किए हैं तो 15 अंक मिल गया, तो 54 और 15 को जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, ये 69 हो जाएगा, तो इसको यहाँ से 69 अंक मिल जाएंगे, ठीक है। इस कैंडिडेट को यहाँ पे 69 अंक मिल गया। एक और एग्जाम्पल लीजिए, ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए, एक ये एग्जाम्पल हो गया, यहाँ पर आपने देख लिया, उसके बाद आपको एक एग्जाम्पल हो गया, इसको 48 मिला, इसको 69 अंक मिला। एक और एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ, फिर आगे बढ़ूंगा। एक एग्जाम्पल मेरा ये रहेगा, कोई कैंडिडेट है जो एएनएम तो कंप्लीट किए ही होंगे, उसके बाद ही फॉर्म अप्लाई किए होंगे, तो उसका एएनएम में मान लेते हैं कि 70% अंक है और वो जीएनएम भी कंप्लीट कर चुके हैं, जीएनएम भी पास है, यहाँ जीएनएम पास लिख देते हैं, और उसके पास 2 वर्ष का एक्सपीरियंस भी है, 2 वर्ष का एक्सपीरियंस है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, अगर एएनएम कंप्लीट है इसको 0.6 से गुना करेंगे तो 42 अंक मिलेगा, जीएनएम पास है तो सीधे 15 अंक मिलेंगे, यानी यहाँ पर 15 लिख दो, ठीक है। उसके बाद 2 वर्षों का एक्सपीरियंस, देखिए 1 वर्ष का एक्सपीरियंस के लिए सरकार 5 अंक दे रही है, ठीक है, एक अंक, 1 वर्ष का एक्सपीरियंस है तो 5 अंक, तो 2 वर्ष का एक्सपीरियंस है तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, आप लोग समझ गए होंगे, 2 × 5 यानी कि 10 अंक। इस स्टूडेंट को कितना मार्क मिल जाएगी यहाँ से, तो 7 और 4 2 6 यानी कि 67 अंक इनको मिल जाएंगे। ये बात आपने समझ गया। एक एग्जाम्पल और आप लोग समझ लीजिए, फिर आप इसको लेकर के आगे बढ़ेंगे। ये एग्जाम्पल मेरा इस तरह से है, ये यहाँ पर ये इस तरह से है, मान लेते हैं कि ये आपको चौथा एग्जाम्पल मैं आपको इस तरह से दे रहा हूं, तो ये मैं इस तरह से बता रहा हूं कि मान लीजिए कि कोई ऐसा स्टूडेंट है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, एएनएम कंप्लीट किए हैं और इसको यहाँ पर मान लो कि यहाँ पर इसको 80% अंक है और इसके पास सिर्फ एक्सपीरियंस है 4 वर्षों का, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तो 80 यहाँ पर 80% अंक है तो इसको कितना पॉइंट मिलेगा, 0.6 से गुना हो जाएगा तो इसको यहाँ से 48 अंक मिल जाएंगे और 4 वर्ष का एक्सपीरियंस मतलब 4 वर्ष, 1 वर्ष के लिए 5, तो 4 वर्षों के लिए 20, टोटल बात करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा और 4 2 6 यानी 68। इस तरह से आप लोग को अंक का कैलकुलेशन करना है, आप इस तरह से अंक का कैलकुलेशन, ऐसा नहीं कि मेरा 90% है तो मेरा होगा कि नहीं, अगर आपके पास 90% सिर्फ एएनएम में अंक है तो ये समझिए किसी के पास अगर 80% ही एएनएम में अंक है और 4 वर्षों का एक्सपीरियंस आपसे ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। इस चीज को आप लोग समझिए, अंक का कैलकुलेशन आपने समझ गया,
अंक का कैलकुलेशन आपने नहीं समझा तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मैं थोड़ा देर इसको स्टॉप कर देता हूँ, उसके बाद हम आपको दिखाते हैं एक और फंडामेंटल। चलिए आपने अंक का कैलकुलेशन समझ गए होंगे, अब हम आपको कट ऑफ वाला सिस्टम समझाते हैं, ठीक है, कि एक्सपीरियंस वाले को क्या फायदा मिलेंगे, फ्रेशर वाले को क्या फायदा मिलेंगे, जीएनएम वाले को क्या फायदा मिलेंगे, इस चीज को आप लोग समझ लीजिए। देखिए कैलकुलेशन खुद से आप लोग नहीं करते हैं और बार बार एक ही चीज को पूछते रहते हैं ना, इसलिए थोड़ा सा ये हो जाता है। अगर आप लोग खुद से कैलकुलेशन बैठ के करिएगा तो आप लोग को सारा बातें समझ में आ जाएंगे, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज बात समझा दे रहा हूँ, आप लोग उसके बाद समझ जाएंगे कि हम क्या कहना चाहते हैं। अब देखिए किस बंदे का रिजल्ट होगा, रिजल्ट किस बंदे का होगा, किस स्टूडेंट का रिजल्ट होगा ये देख लीजिएगा। देखिए जैसे कि एनएम किसी कैंडिडेट का, यहाँ पे अंक की बात करेंगे, देखिए एनएम में किसी कैंडिडेट का 90% अंक है, 90 इसको 0.6 गुना करेंगे तो 54 अंक मिल जाएंगे। और देखिए यहाँ पर एक्सपीरियंस वाला मैं बात कर देता हूँ, क्योंकि जेएनएम सबके पास नहीं है, एक्सपीरियंस वाले के पास। मान लो दूसरा पॉइंट, एनएम में किसी कैंडिडेट के पास यहाँ पर 80% अंक है और एक्सपीरियंस है इनको 2 वर्षों का, 80% है तो 0.6 गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा, और 2 वर्ष का एक्सपीरियंस मतलब 2×5 मतलब कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। यहाँ पर देख लीजिए ये 8 हो गया, 4×5 हो गया। आप देखिए अगर किसी एनएम के पास 80% अंक है और एक्सपीरियंस 2 वर्ष का है तो इसका सिर्फ कितना बन रहा है, 58 अंक बन रहा है, और किसी एनएम के पास 90% अंक है तो इसका 54 बन रहा है, सिर्फ 4 अंकों का अंतर है। देखिए 90% वाले गौर करके देखिएगा, ठीक है, 90% है तो 54 अंक आया, और इनके पास 80% है लेकिन 2 वर्षों का एक्सपीरियंस है तो इनका कितना है, 58 आया। देखिए मार्क कम है लेकिन एक्सपीरियंस है, इसके वजह से यहाँ पर क्या हो गया, आपसे ज्यादा अंक होंगे। लेकिन यहाँ पर एक चीज और सोचना है कि आपका 90 है और इसका 80 ही है, फिर भी 58 है, यानी कि सिर्फ 4 का अंतर है। मेरा कहने का मतलब यह है कि सिर्फ 4 का अंतर है, इसका मतलब यह हुआ कि जिन प्यारे सिस्टर के पास 80%, 90%, 85% के एवरेज में अंक है, वो सारे परेशान मत होइए। मैं जो अनुमानित कट ऑफ बता चुका हूँ उस वीडियो को आप लोग देखिए, थोड़ा देर हैप्पी रहिए, और जब तक यहाँ पर ऑफिशियली अपडेट नहीं आ जाते हैं तब तक कॉन्फिडेंस के साथ कहना यहाँ पर मुश्किल होते हैं। तो इस तरह से आप लोग कैलकुलेशन करिएगा और घबराइएगा नहीं, क्योंकि एक्सपीरियंस है जिनके पास, वो भी लोग यहाँ पर नहीं घबराएंगे, उनका तो होंगे ही होंगे, लेकिन जिनके पास एक्सपीरियंस नहीं है, अगर मार्क उनके पास अच्छे हैं, मतलब अच्छे कहने का मतलब यह है, डायरेक्टली मैं एक बता दे रहा हूँ एवरेज करके, क्योंकि जो मेरे पास डाटा है ना उसके मैं कैलकुलेट किया हूँ, तो मतलब 83+ करके जो भी कैंडिडेट है वो सारे कैंडिडेट आशा रख सकते हैं, बिल्कुल रूप से, ठीक है, बिल्कुल रूप से आशा रख सकते हैं, एकदम बिल्कुल 83 मतलब 80+ वाले रख सकते हैं, 80+ वाले बिल्कुल रूप से रख सकते हैं। अब कोई कभी बहुत सारे ऐसे हैं जो बताते हैं कि इतना कट ऑफ जाएगा, ये कट ऑफ जाएगा, पैसा लगेगा, बिल्कुल ध्यान मत दीजिए, अंक आधारित प्रक्रिया यहाँ पर कुछ नहीं होंगे, जो आप सोच रहे हैं जिनके पास अंक होंगे उसी का मेरिट बनेगा। और दोस्तों जो यहाँ पर फर्जी कैंडिडेट हो ना, फर्जी सर्टिफिकेट बनाए हो ना, वो जेल जाने के लिए तैयार रहिए, उनका मार्कशीट रद्द होगा और उनका यहाँ पर कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि BTSC में आप लोग आए दिन देखे होंगे कि फिजियोथेरेपी वाले भी पकड़ाया गया, बहुत सारे पकड़ाते रहते हैं, इतना मैं एग्जाम्पल तो आप लोग समझते रहिएगा, वैसे कोई आएगा तो हम दिखा देंगे। तो ये सिस्टम आप शायद समझ गए होंगे कैसे मेरिट का मार्क कैलकुलेट होता है और किन लोगों को बनने वाला है। वीडियो थोड़ा लंबा बन रहा है, पार्ट 2 का आप लोग इंतजार करिए, मैं बताऊंगा पार्ट 2 में एक कट ऑफ को लेकर के एक बार पुनः विस्तार से, अगर आप लोग डिमांड करती हो तब। चलिए बताइएगा कमेंट करके कि आपको कट ऑफ वाला वीडियो पुनः चाहिए, तो सामने आकर के एक एक कैलकुलेशन करके सारे जातिवाइज कैटेगरी वाइज मैं बताऊंगा। इस वीडियो में इतना ही नहीं लेते हैं, बाय।